वेलकम गाइस अगेन नवीन दहिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक नई नोटिफिकेशन आई है CRSU की तरफ से। B.ed फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया था, ये आप देख रहे हैं। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट करके दिया है, सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं अपडेट रिज़ल्ट B.ed फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर June 2019 एग्जामिनेशन। जब का रिज़ल्ट आया था 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे B.ed फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, रिज़ल्ट आया था, उसके बाद रिवाइज भी हुआ रिज़ल्ट और उसके बाद भी अपडेट किया गया है रिज़ल्ट को। तो देखते हैं क्या अपडेट आया है रिज़ल्ट का, किस तरह के जो एक मार्क्स थे 28 मार्क्स हमारे पासिंग मार्क्स रखे गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के 28 मार्क्स पर भी फेल दिखा रहे थे, किसी को पास दिखा रहे थे किसी को फेल दिखा रहे थे 28 मार्क्स पे। तो वीडियो में ये ज़रूर देखिएगा कि 28 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास किया गया है या नहीं किया गया है, यही एक न्यूज़ है, एक अपडेट है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्या न्यूज़ है। और देखिए, आपको इसको डाउनलोड करना है, आप जस्ट इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। ये जब आप डाउनलोड करोगे इस तरह से तो डाउनलोड हो जाएगी ये फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना है WPS ऑफिस एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, न्यू वर्जन उसका डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ये जो फाइल है उसमें ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है हमारा, ये अपडेट डाउनलोड हो चुका है, अब इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो फाइल है ये ओपन हो चुकी है। B.ed फर्स्ट ईयर और सेकंड का जो अपडेट होकर रिज़ल्ट आया ये वही रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 29 जिसके मार्क्स हैं फेल दिखाया गया है उनको, और उसके बाद जो 28 वाले हैं उनको भी यहाँ पर फेल दिखाया गया है, ठीक है, 30 वाले भी। लेकिन इसका रीज़न क्या है, ये देखिए यहाँ पर जो इनके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं इस तरह से शो हो रहे हैं, ये कोई इनकी अलग से मैटर है, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स इसके जमा हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये देखिए ये जो 28 मार्क्स हैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स दिखाए गए हैं जिसके भी 28 मार्क्स हैं, लेकिन ये देखिए जो सीरीज़ है आपके रोल नंबर की कोड की, सॉरी जो आपके सब्जेक्ट कोड है 801, उनके 28 पर पासिंग मार्क्स दिखाए गए हैं, लेकिन वहीं जिसके भी मार्क्स 28 हैं इस सीरीज़ में 18 वाली सीरीज़ में 1801 की सीरीज़ में जिसके भी 28 मार्क्स हैं भाई उनको पास नहीं किया गया। ये सबसे बैड न्यूज़ है, अपडेट भी कर दिया, रिवाइज भी कर लिया रिज़ल्ट को, लेकिन जो 28 वाले मार्क्स जो जिसके 28 मार्क्स आए हुए हैं उनको नहीं पास किया गया है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इनके 28 आए हैं मार्क्स, लेकिन इनको फिर भी फेल कर दिया गया। क्या रीज़न है, क्या नहीं, यूनिवर्सिटी को मेल भी भेज लिया, प्रूफ भी दिखा लिया कि जो आप 801 जिसका कोड है उनको पास कर रहे हो तो इनको क्यों नहीं पास कर रहे जब पासिंग मार्क्स आपके 28 हैं, तो क्या दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी का क्या चक्कर है। फिर से अपडेट भी किया है लेकिन सेम रिज़ल्ट है, कोई चेंजेस रिज़ल्ट में नहीं किया गया है। तो भाई नहीं किया गया है पास 1801 जिसका भी कोड है और जिसके भी मार्क्स जो है 28 आए हुए हैं, नहीं पास किया गया उनको। तो यही एक अपडेट थी, काफ़ी बैड सैड न्यूज़ मानते हैं हमें, मैं इसको काफ़ी नहीं फेवर में है स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट। ये देखिए यहाँ पर भी यही है, सेम 28 मार्क्स हैं और फिर भी फेल किया गया इनको। तो आप यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज से दोबारा से कांटेक्ट कीजिए, जिसने भी मेल भेजा है यूनिवर्सिटी को, कॉलेज ने भेजा है, स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर मेल किया है, प्रूफ भी लगाए हैं, तो एक बार कॉलेज से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा कि अपडेट होकर रिज़ल्ट आया है तो कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं तो अब हम क्या करें। देखो कॉलेज ही आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि कॉलेज के आप स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से बीएड कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये दिक्कत है, तो कॉलेज ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप अपनी बात यूनिवर्सिटी तक पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, रिज़ल्ट बिल्कुल फेवर में नहीं है जिसके भी 28 मार्क्स हैं। तो यही आपके लिए एक नोटिफिकेशन थी, एक बार चेक कर लीजिएगा और साइट पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपना रिज़ल्ट, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू।